दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, गोविंदा की फिल्में 1998 और 1999। इन दोनों ही सालों में इन सभी सुपरस्टार्स ने कितनी फिल्में की, उनमें से कितनी हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ ही वीडियो के आखिर में पता चलेगा कि इन दोनों वर्षों में बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन रहा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे शाहरुख खान की फिल्मों के बारे में। सन 1998 में शाहरुख खान की तीन फिल्में आईं। नंबर एक है डुप्लीकेट। फिल्म का बजट रखा गया 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 10 करोड़ की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही दिल से। फिल्म का बजट रखा गया 11 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 10 करोड़ की और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म आई कुछ कुछ होता है। फिल्म का बजट रखा गया 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 47 करोड़ की और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 1999 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई बादशाह। बजट रखा गया 11 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 15 करोड़ की और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। अब हम बात करेंगे सलमान खान की फिल्मों के बारे में। 1998 में सलमान खान की कुल मिला के चार फिल्में आईं। नंबर एक है कुछ कुछ होता है। फिल्म का बजट रखा गया 10 करोड़ वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 47 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही बंधन। फिल्म का बजट रखा गया 5 करोड़ 75 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 12 करोड़ 10 लाख की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 1998 में ही तीसरी फिल्म रही जब प्यार किसी से होता है। फिल्म का बजट रखा गया 6 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 11 करोड़ 71 लाख की और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। इसी साल चौथी फिल्म रही प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म का बजट रखा गया 7 करोड़ 75 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 18 करोड़ 7 लाख की और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। सन 1999 में सलमान खान की पांच फिल्में आईं। नंबर एक है हम साथ साथ हैं। फिल्म का बजट रखा गया 17 करोड़ वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 39 करोड़ 18 लाख की और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही हेलो ब्रदर। बजट रखा गया 9 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई हुई 10 करोड़ 68 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म रही हम दिल दे चुके सनम। फिल्म का बजट रखा गया 16 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 24 करोड़ 76 लाख की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 1999 में सलमान खान की चौथी फिल्म रही बीबी नंबर वन। बजट रखा गया 12 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 25 करोड़ 58 लाख की और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसी साल पांचवी फिल्म रही जानम समझा करो। बजट रखा गया 9 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 9 करोड़ 19 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। शाहरुख खान और सलमान खान के बाद अब बारी है आमिर खान की। 1998 में आमिर खान की दो फिल्में रहीं। नंबर एक है गुलाम। बजट रखा गया 7 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 13 करोड़ की और ये फिल्म हिट साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म आई 1947 अर्थ। बजट रखा गया 5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 4 करोड़ की और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। 1999 में आमिर खान की दो फिल्में रहीं। नंबर एक है सरफरोश। बजट रखा गया 8 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 19 करोड़ की और ये फिल्म हिट साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही मन। बजट रखा गया 14 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 17 करोड़ की और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। तीनों खान के बाद अब हम बात करेंगे बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी की। 1998 में सुनील शेट्टी की तीन फिल्में आईं। पहली है हमसे बढ़कर कौन। बजट रखा गया 2 करोड़ 25 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 2 करोड़ 30 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही आक्रोश। फिल्म का बजट रखा गया 4 करोड़ 75 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 2 करोड़ 89 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म रही विनाशक। बजट रखा गया 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 6 करोड़ 31 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। सन 1999 में भी सुनील शेट्टी की तीन फिल्में रहीं। नंबर एक है काला साम्राज्य। फिल्म का बजट रखा गया 3 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 1 करोड़ 2 लाख की और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही बड़े दिल वाला। बजट रखा गया 3 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 1 करोड़ 75 लाख की और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। तीसरी फिल्म रही हूँ तू तू। फिल्म का बजट रखा गया 4 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 1 करोड़ 82 लाख की और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। अब हम बात करेंगे अजय देवगन की फिल्मों के बारे में। अजय देवगन की 1998 में तीन फिल्में रहीं। नंबर एक है जख्म। बजट रखा गया 4 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 4 करोड़ 22 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई।
इसी साल दूसरी फिल्म रही प्यार तो होना ही था। फिल्म का बजट रखा गया 7 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 21 करोड़ 51 लाख की और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म रही मेजर साहब। बजट रखा गया 8 करोड़ 75 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 13 करोड़ 10 लाख की और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। सन 1999 में अजय देवगन की 7 फिल्में रहीं। नंबर 1 है दिल क्या करे। बजट रखा गया 9 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 8 करोड़ 95 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही थक्षक। बजट रखा गया 6 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3 करोड़ 65 लाख की और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म रही गैर। बजट रखा गया 3 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 3 करोड़ 30 लाख की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 1999 में अजय देवगन की 4थी फिल्म रही हिंदुस्तान की कसम। बजट रखा गया 13 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 13 करोड़ 95 लाख की और ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई। इसी साल 5वीं फिल्म रही हम दिल दे चुके सनम। बजट रखा गया 16 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 24 करोड़ 75 लाख की और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी साल 6वीं फिल्म रही होगी प्यार की जीत। बजट रखा गया 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 10 करोड़ 7 लाख की और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। इसी साल 7वीं फिल्म रही कच्चे धागे। बजट रखा गया 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 16 करोड़ 19 लाख की और ये फिल्म हिट साबित हुई। अब हम बात कर लेते हैं गोविंदा की फिल्मों के बारे में। 1998 में गोविंदा की 6 फिल्में आईं। नंबर 1 है आंटी नंबर 1। फिल्म का बजट रखा गया 4 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 6 करोड़ की और इस तरह से यह फिल्म ब्लो एवरेज साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही अचानक। फिल्म का बजट रखा गया 4 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई सिर्फ 4 करोड़ की और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसी साल गोविंदा की 3री फिल्म रही दूल्हे राजा। बजट रखा गया 5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 13 करोड़ की और ये फिल्म हिट साबित हुई। इसी साल 4थी फिल्म रही महाराजा। फिल्म का बजट रखा गया 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 7 करोड़ की और इस तरह से ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल 5वीं फिल्म रही बड़े मियां छोटे मियां। फिल्म का बजट रखा गया 12 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 20 करोड़ की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 1998 में गोविंदा की 6वीं फिल्म रही परदेसी बाबू। फिल्म का बजट रखा गया 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 6 करोड़ की और कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 1999 में गोविंदा की 4 फिल्में आईं। नंबर 1 है अनाड़ी नंबर 1। फिल्म का बजट रखा गया 7 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 11 करोड़ की और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म रही राजा जी। फिल्म का बजट रखा गया 5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 5 करोड़ की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। और इसी साल तीसरी फिल्म रही हसीना मान जाएगी। फिल्म का बजट रखा गया 9 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 15 करोड़ की और ये फिल्म हिट साबित हुई। 1999 में गोविंदा की 6वीं फिल्म रही हम तुम पे मरते हैं। बजट रखा गया 7 करोड़ और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे कमाई हुई 7 करोड़ की और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इन सभी सुपरस्टार्स ने कितनी फिल्में दी, उनमें से कितनी हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही। सबसे पहले बात करेंगे हम शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने 98 और 99 में कुल मिलाकर 4 फिल्में की। उनमें से एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, वहीं एक फिल्म एवरेज रही और 2 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। अब हम बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान ने कुल मिलाकर 9 फिल्मों में काम किया, जिनमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही, वहीं ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही, सुपरहिट 2 फिल्में दी, वहीं सेमी हिट 1 फिल्म दी और हिट 2 फिल्में दी और फ्लॉप 2 फिल्में रही। अब हम बात करेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट खान की, आमिर खान। उन्होंने 4 फिल्में की 98-99 में, जिनमें की 2 हिट रही, 1 फिल्म एवरेज रही और 1 फिल्म डिजास्टर साबित हुई। अब बारी है बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी की। सुनील शेट्टी ने 98-99 में कुल मिलाकर 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें 3 फिल्में फ्लॉप रहीं, वहीं 3 फिल्में डिजास्टर साबित हुई। अब हम बात करेंगे अजय देवगन की फिल्मों के बारे में। अजय देवगन ने 98-99 में कुल मिलाकर 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही, वहीं हिट 1 फिल्म रही और सेमी हिट 2 फिल्में रहीं, सुपर हिट 1 फिल्म रही, फ्लॉप 3 फिल्में दी और बिलो एवरेज 1 फिल्म रही, वहीं डिजास्टर 1 फिल्म रही। अब हम देख लेते हैं गोविंदा की फिल्मों के बारे में। 98-99 में गोविंदा ने कुल मिलाकर 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें हिट 3 फिल्में रहीं, वहीं सेमी हिट 1 फिल्म रही, बिलो एवरेज 1 फिल्म रही और फ्लॉप 5 फिल्में रहीं।
दोस्तों अब आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर आमिर खान या सुनील शेट्टी या फिर अजय देवगन या गोविंदा। तो आपका जो भी फेवरेट सुपरस्टार है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, और उनकी कौन सी फिल्में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई अभी तक वो भी आपको बताना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो में।